तो भैया उर्की जावेद को तो सभी लोग जानते होंगे, जो अपने छोटे मोटे नंगे पुंगे कपड़ों के साथ साथ बहुत ज्यादा फेमस भी हुई है और बहुत ज्यादा टूर भी हुई है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि उर्की जावेद का एक छोटा भाई भी है जो बहुत ही ज्यादा भी इंस्टाग्राम पे फेमस होता जा रहा है, पूरे इंस्टाग्राम को उसने हिला के रख दिया है। उर्की जावेद चलो कपड़े तो पहनती थी भैया, ये कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने वाले, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई लोग बीच में जाके भी इतना नंगा नहीं होते होंगे नारियल पानी पीने के लिए जितना ये घर के अंदर हो गया है, और इतना नंगा तो भैया कभी जिंदगी में उर्फी जावेद भी नहीं होगी जितना इसने छोटा भाई हो गया। और एक मिनट, आगे आगे से तो इसने कवर कर लिया और पीछे से अपना गार्ड गंगा इस बंदे को क्यों दिखा रहा है? मैं बता रहा हूँ नारियल पानी ये बंदा कम पी रहा है, लेकिन इसके पीछे की गंगा सारी देख रहा है। अब ये अंडरवेयर का क्या करेगा? एक दो एक दे अब उनको पहनेगा इसकी बहन की को हाँ बाप दादा दादी सबकी जितनी भी चंडी वगैरह पड़ी थी ना सबके साथ इसने एक्सपेरिमेंट कर डाला। अभी जो जो घर में कच्चे सूखे हुए थे ना तार पे जो लटका रखे थे सबको पहन लिया, और इसके जो घर वाले देखेंगे ना कि चंडी आए ऑफिस जा रहा है मुझे चंडी का है मेरी इसने जो भैया वो चंडी को पहन रखा है ना सब ब्लाउज की तरह, ये है तो लड़का पर ये लड़कियों वाली हरकतें क्यों कर रहा है? ओ सॉरी मीठा है क्या? समझ रहे हो समझ रहे हो बिस्किट। अच्छा अबे यार क्या कर रहा है ये पागल, मतलब बिस्किट की इसने ज्वेलरी बना ली, बिस्किट की नाक का बना लिया, बिस्किट के माथे का बना लिया, उंगली पे भी बिस्किट की रिंग बना दी बना दी, और गाना लगा रहा है मैया यशोदा। अगर मैया यशोदा ने इतनी वीडियो देख लिया तो तेरी मैया के पास आएगी मैया, और मैया को लेके जितनी भी पड़ोस की मैया ना तेरी मैया के साथ साथ मैया को मिलकर तेरी मैया की मार डालेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ए भगवान आज मेरे को ना जिंदगी में पहली बार उर्फी जावेद के लिए क्लैपिंग करने का मन कर रहा है कि भैया चलो उर्फी जावेद तू कुछ तक तो दे, तेरे जो वाइफ बहन आ रहे ना जो तेरे को देख के ट्रेंड बढ़ रहा है, इसने तो भैया दुनिया का सत्यानाश ही कर डाला। उर्फी जावेद पहली बार तेरे लिए मेरे को तालियां बजाने का मन कर रहा, सैल्यूट है भाई तेरे को कसम से। अभी देखना पक्का इसके बैकग्राउंड में जो खाट है ना खटिया है, उस खटिया का कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा ये, मेरे को दिख रहा है हराम यही मीठा। कर देंगे ये लोग, बोला था ना मेरे कुछ करेगा, उस कटिया का बिचारी का क्या कसूर था, तेरे घर वाले किसके ऊपर सोएंगे भाई जाके? अगर मैं ये हरकतें कर दूं ना काटा उधर वो काट के नहीं आए मेरी माँ तो मेरे को जान से मार डाले। बोसड़ी के फैशन के ऊपर इतना भी पागल नहीं होना चाहिए था कि घर के सामानों को लेकर तुम लोग आग लगा दो। और इसकी जो बकवास चली ना वो घर तक सीमित नहीं है भैया, इसका मीठापन वो बाहर भी जा रहा है, दिखाता हूँ। यार इतना कॉन्फिडेंस ये लोग कहाँ से लेके आ जाते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो भाई तू लड़का मतलब सॉरी मतलब मीठा, एक तो तुम मीठा है ठीक है, डैडी वगैरह कटवा नहीं रहे क्यों? जो तेरे साथ जो बंदा नाच रहा वो तेरे सामने भैंस की आंख कैसे कर लेते हैं यार पब्लिक के बीच में जाके? कसम से अगर मेरे को कोई ऐसा देख मिले ना यार मैं इमेजिन ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मतलब मेरे साथ में भी अगर कोई ऐसा कर लेना मैं जिंदगी में उसकी शक्ल तक ना देखूं, और ये बंदे परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक प्लेस में जाके। भाई फेमस होने का देखो जुनून सबके अंदर होता है लेकिन इतना गंदा नहीं यार, अगर मैं इमेजिन भी करूँ तो यार कैसा बंदा लगेगा कोई? छी नहीं कभी नहीं, ऐसे ख्याल मेरे मन में नहीं आने चाहिए। ओ इसके पिछवाड़े में मच्छर घुस गए थे, बुरा मत मानो सच बता रहा हूँ ठीक है, इसके पिछवाड़े में मच्छर घुस गए थे, पूरा का पूरा माउंटिंग का पैक है वो अपने कपड़ा बना डाला। अब जब रात को इसके पापा पूछेंगे कि भैया मच्छर खा रहे हैं माउंटिंग का वो पैकेट लाओ कहाँ है वो कहाँ गया, बेटे ने पिछवाड़े में डाल रखा है, क्योंकि असली जो कीड़े हैं वो वहीं से तो निकल रहे हैं, इसको लगा कि मच्छर होगा पर कीड़ा है वो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जो ये कीड़ा है ना इसका यहीं तक खत्म नहीं हुआ होगा, वो अभी दोबारा आएगा, इसको अगर जहर भी दे दोगे ना तब जाके इसके कीड़े थोड़े से शांत होंगे, मरेंगे नहीं शांत होंगे। अगला कीड़ा देखो, अरे अरे मेरे मीठे। अच्छा बैग ठीक है हाँ, अरे भैया बैग का नुकसान, वो फोड़ दो नीचे से फोड़ रखा डची
अब घर के पाइप तो छोड़ दे, ये क्या बना ली ये क्या? अच्छा पेन, पूरे पड़ोस के पेन मांग रहा है एक साथ, ठीक है हाँ। अब पेन की ड्रेस, अबे दिलप्रीत ये क्या बन रखा है? अच्छा चमचम, चलो ये तो नॉर्मल है हाँ। अच्छा फिर अंडरवेयर दिया यार, ये पापा का अंडरवेयर छोड़ेगा नहीं अपने, कोकोनट बच गया था, ले आया उसको, चल ठीक है ले गया। ओ भाई साहब, अबे ये क्या कर रही, सॉरी गिलास बोतल एक किसी शादी में घुस गया, फिर सारे को आगे गिलास वगैरह चुरा लाया चोर, ये क्या पहन रखा इसने मास्क, अबे ओए यार कोरोना का असली इस्तेमाल तो इसने कर रखा है, जितने भी आस पड़ोस के मास्क है ना सबको मांग के ले और अपनी ड्रेस बना के पहन ले। और अगर कोरोना ये चीज़ देख लेता ना कि मास्क की इतनी ज़्यादा सेफ्टी कर रखी इन लोगों ने, तो इंडिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर भैया कोरोना नहीं आता। हाँ तो जो भाई मेरी बातों को नहीं मान रहा था कि भैया उर्फी जावेद का भाई है कि नहीं, अभी देख लो जाके उर्फी जावेद का भाई है कि नहीं है। पूरी की पूरी एडिट हो भैया, ड्रेस कॉपी कर रखे और एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो इसमें मिस कॉपी नहीं की होगी। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भैया उर्फी जावेद अब की बार थोड़ा सा इससे पीछे रह गई, क्योंकि इस बंदे का जो लेवल है ना वो उर्फी जावेद को क्रॉस करता जा रहा है अभी। और हो ना हो भैया दो चार दिन के अंदर देख लिया ना ये बंदा उर्फी जावेद के साथ कोलैब करता नजर आएगा आपको। तो भैया वीडियो यहीं तक थी, चलो वीडियो को खत्म करते हैं। जिस वाले बंदे को वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देगा, कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, इतना ही है बस, कर दोगे तो बहुत है, बाय।